शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में लगातार बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में फैसला किया कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा ताकि वो चुनाव में खड़ी हो सके। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा फोकस महिलाओं की तरफ किया। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता सुचित्रा, जिन्होंने प्रियंका गांधी के दावों पर बात की, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए काम कर रही है और वो प्रियंका गांधी ही है जो महिलाओं के सपनों को पूरा कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त प्रियंका गांधी की हर बात का समर्थन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के साथ आते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी ये कहा था कि प्रियंका गांधी है जो महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा दे रही है। प्रियंका गांधी है जो महिलाओं के सम्मान को आगे लेकर आ रही है और महिलाओं को अब आगे आना चाहिए और प्रियंका गांधी का खुलकर समर्थन करना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी का तो समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये मैसेज भी दे रहे हैं कि महिलाओं को खुलकर प्रियंका गांधी के साथ आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। मौजूदा समय के हालात कुछ और इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रही है। जनता प्रियंका गांधी को अपना नेता मान चुकी है और अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इतिहास रच दिया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल अगर उत्तर प्रदेश में की, तो इसका फर्क आने वाले समय के लोकसभा चुनाव पर दिखता नजर आएगा। क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है और उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात बीजेपी नेताओं के लिए सिरदर्द बने हुए। तो यहाँ पर बीजेपी की अगर स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब होती है तो लोकसभा चुनाव पर फर्क दिखता नजर आएगा और कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव में जीतती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।